हम बचपन से हर गली, हर सड़क, हर चौराहे, हर गांव या हर शहर में ये सूचना पट्टी देखते और पढ़ते आए हैं। हमने ये भी देखा है कि एक सड़क बनने के बाद संबंधित विभाग को याद आता है कि यहाँ तो ऑप्टिकल फाइबर लगाना बाकी था, या कुछ दिनों बाद गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए फिर से खुदाई शुरू हो जाती है। कहीं सड़क और रेल तो पहुंच जाती है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने के लिए आवश्यक लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाती। इन सभी के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अलग अलग विभाग अलग अलग काम करते रहते हैं, और इन सबका परिणाम प्रोजेक्ट के पूरा होने में देरी, लागत में वृद्धि और आम जनता को परेशानी। ऐसा भी देखा गया है कि एक प्रोजेक्ट तो पूरा हो गया, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कोऑर्डिनेशन के अभाव से जन सामान्य को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक फर्टिलाइजर प्लांट तो स्थापित हुआ, लेकिन उस तक गैस पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं की गई। गैस पाइपलाइन की अनुपलब्धता के कारण वो प्लांट पूरी तरह से उपयोग में नहीं लाया जा सका, जिससे करोड़ों की लागत से बने उस प्लांट का पूरा लाभ जन सामान्य तक नहीं पहुंच सका। इसी प्रकार सड़क निर्माण का काम कई एजेंसियां करती हैं, जैसे प्रमुख राजमार्गों का निर्माण NHAI करती है। इसके बाद आगे की सड़क का निर्माण राज्य PWD करती है। दूरदराज के गांवों की सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनती हैं, और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO बनाती है। किसी भी एक विभाग के मध्य कोऑर्डिनेशन के अभाव से लोगों तक सड़कों का पूरा लाभ नहीं पहुंच पाता। सरकार ने देखा कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के अभाव से प्रोजेक्ट कंप्लीशन में बहुत विलंब होता आया है। सरकार के अलग अलग विभागों ने अपने सिस्टम को किया फास्ट ट्रैक। पिछले 7 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स बने हैं जिसमें सारे विभागों ने समन्वय के साथ काम किया, जिससे बड़े अच्छे परिणाम आए। जैसे कि रेल मंत्रालय ने कॉमन ड्रॉइंग अप्रूवल सिस्टम का गठन किया और उसे भी कर दिया ऑनलाइन, जिससे सारे अप्रूवल्स एक ही पोर्टल पर मिल जाएं। भारतीय रेल की इस गति से 6 महीने में मिलने वाले अप्रूवल्स अब 2 से 3 महीने में ही मिलने लगे हैं। इसी प्रकार पर्यावरणीय मंजूरियों के लिए भी 3 अलग अलग ऑनलाइन सुविधा आरंभ कर दी गई हैं, जिसके अप्रूवल्स में पहले करीब 2 साल का वक्त लगता था, अब ये अवधि घटकर महज कुछ महीनों की हो गई है। रोड परिवहन ने नए नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के राइट ऑफ वे के एक्विजिशन के साथ यूटिलिटी कॉरिडोर का एक्विजिशन करना शुरू कर दिया है, जिससे सड़क के साथ साथ ऑप्टिक फाइबर केबल, टेलीफोन, पावर केबल्स को भी साथ में बिछाया जा सके और उसके लिए अलग से राइट ऑफ वे एक्विजिशन करने की जरूरत ना पड़े। इन सारे प्रयासों से यूटिलिटी लगने में बहुत तेजी आ रही है और इनका लाभ जन सामान्य तक जल्द से जल्द पहुंच रहा है। इसी प्रकार दूर संचार विभाग ने राज्य सरकारों की मदद से राइट ऑफ वे के एक्विजिशन की प्रक्रिया को सरल बनाया है, जिससे टेलीफोन और OFC केबल डालने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है और अब टेलीफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही है। अब समय है इन प्रयासों को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का। जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब समय है इन प्रयासों को गति देने का, शक्ति देने का। इस बार लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा, भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की बहुत जरूरत है। आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं। लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली विकास में गति की नई इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक अप्रोच की शक्ति, यानी कि प्रधानमंत्री गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। इसके अंतर्गत इसरो द्वारा विकसित BISAG-N इंटीग्रेटेड पोर्टल पर 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाले 200 से ज्यादा लेयर्स काम कर रहे हैं, जिससे सभी विभागों को एक दूसरे के काम की मिलेगी विजिबिलिटी। PM गति शक्ति योजना द्वारा रेल, रोड, पोर्ट और सिविल एविएशन सभी आ जाएंगे एक बड़े अम्ब्रेला प्लान के तहत। अब पोर्टल के माध्यम से किसी भी विकास एवं निर्माण कार्य में
सभी स्टेक होल्डर्स के बीच समन्वय होगा, जिसके तहत एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि सभी ग्रुप में एक साथ बैठकर बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे। इससे लैंड एक्विजिशन के साथ साथ काम भी एक साथ होगा, तो परियोजनाओं की लागत में भी कमी आएगी। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार के विभागों तक, लोकल अर्बन बॉडी से लेकर निजी कंपनियों तक, सभी में होगा ऐसा तालमेल जो आज तक कभी नहीं देखा गया। नेशनल मास्टर प्लान से न केवल विभाग बल्कि उनकी योजनाएं भी एक छत के नीचे आएंगी, जिससे उनके अमल की गति बढ़ेगी। इसके कार्य करने की प्रक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। अब जब किसी भी बंदरगाह की योजना बनती है, तो वो आने वाले अगले 40 से 50 वर्षों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तो इतनी विशाल स्तर की परियोजना अब सिर्फ शिपिंग मंत्रालय तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि सड़क और रेल नेटवर्क को भी उचित क्षमता के अनुरूप बनाया जाएगा। नेशनल मास्टर प्लान से ये भी पता लगाया जा सकता है कि कहां पर सड़क बनी है और कहां पर नई सड़क के निर्माण की आवश्यकता है। नेशनल मास्टर प्लान में हर मंत्रालय का डेटा निरंतर अपडेट होता रहेगा। यही नहीं, नेशनल मास्टर प्लान द्वारा किसी भी सामान को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए सही मार्ग और किराए का चयन किया जा सकता है। एम्प्टी फ्लो डायरेक्शंस में ग्राहकों द्वारा माल ढुलाई में विशेष छूट ली जा सकेगी। मास्टर प्लान से संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होगा, तभी तो पश्चिम भारत के प्लांट से आई खाद उत्तरी क्षेत्रों के खेतों को लहलहाएगी और किसानों में खुशहाली लाएगी। साथ ही नेशनल मास्टर प्लान निवेशकों को बताएगा कि जहां पर वे अपना निवेश करने वाले हैं, वहां सड़क और रेल की उपलब्धता कैसी है, इंडस्ट्रियल एरियाज और आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। इससे बिजनेस और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब देश में गति की परिभाषा केवल यातायात ही नहीं, यहां शामिल है गति निर्णय की, गति सरकारी कार्यों की। इस प्लान को गति मिलते ही भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आकार लेगा जिससे रेल से रोड पूरक हो, रोड से सी पोर्ट पूरक हो, सी पोर्ट से पोर्ट पूरक हो, ताकि रोड, रेल, बिजली, ऑप्टिक फाइबर केबल, गैस पाइपलाइन जैसी सुविधाओं से देश का कोई कोना वंचित ना रहे। तभी तो प्रगति में आएगी तेज गति। इंटीग्रेटेड मोबिलिटी द्वारा लोकल उत्पादों की बड़े बाजारों तक पहुंच बनेगी आसान। हमारे उद्योग भी होंगे कॉम्पिटिशन के लिए बेहतर तैयार और निर्यात होगा सुगम और देश की अर्थव्यवस्था के चक्के तेजी से घूमेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस बनेगा वर्क इन पेस। प्रधानमंत्री गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी।